अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ असलम बटर चिकन। ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस बटर चिकन है। आप कभी अगर गए होंगे तो आपने वहाँ पर खाया होगा, नहीं तो आपने नाम सुना होगा उसका। उसके लिए हमें चिकन ले लेना है। 2 किलो मैंने चिकन ले लिया था। इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था छन्नी में। अब हम दही लेंगे, 1 बाउल दही है, और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। ये दूध पर जमी हुई मलाई है, 1 बाउल मैंने ले लिया है, इसे भी बीट कर लेंगे अच्छे से। हरी मिर्च लेंगे 8 से 9 अदद, और ये काजू ले लेंगे, 20 से 22 काजू है, मैंने डबल वाले ले लिया था। हरा धनिया हम ले लेंगे 1 मुट्ठी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून ले लेंगे भर के। ये जीरा है भुना, 2 टीस्पून हम लेंगे। चाट मसाला 2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। काली मिर्च है 3 टीस्पून है, और ये नींबू है, 1 नींबू ले लिया है, और ये बटर 3 टेबल स्पून। अब हम जार ले लेंगे मिक्सी। अब हम जार में डाल देंगे हरा मिर्च, काजू और हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया हम छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। थोड़ा सा पानी हम मिला देंगे, हमें बहुत पतला नहीं करना है, मीडियम बस करना है। अब ये देखिए, ये पेस्ट मैंने बना लिया है। देखिए कितना स्मूथ इसका पेस्ट बना है। अब हम ले लेंगे 1 पूरा तसला, उसमें हम डाल देंगे चिकन। ये 2 केजी चिकन है मैं डाल दे रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट जो मैंने ये पेस्ट बनाया है। पेस्ट डालने के बाद अब हम डाल देंगे काली मिर्च, थोड़ी काली मिर्च हमें रोक लेना है पाउडर इसका। अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा हम डाल देंगे। चाट मसाला हम पूरा डाल देंगे, और ये नमक गया। और ये नींबू का रस, ये सब डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट। और अब हम डालने जा रहे हैं दही। दही तकरीबन हम डालेंगे 7 से 8 टेबल स्पून हम डाल देंगे दही, और थोड़ा दही हमें रोक लेना है। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे हम मिक्स करके, मलाई और दही मिक्स करके इसकी ग्रेवी बनेगी। ये सब हम डाल देंगे, डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो 1 घंटा सफिशियंट है। मैंने लेकिन ये 4 से 5 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छे से हमें मिक्स करना है, सारा मसाला हमें एक एक पीस में कोट कर देना है अच्छे से। जितना ही अच्छा ये मैरिनेशन होगा उतना ही इसके रिजल्ट बहुत ऑसम होंगे। आप देख सकते हैं, और इसे हमें रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे। अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे दही, और ये हम डाल देंगे मलाई, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है, स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं, ये हम ऊपर से डालेंगे लास्ट में, जब हमारा चिकन सब रोस्टेड हो जाएंगे। और हम ये चिकन बना रहे हैं बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये चिकन बारबेक्यू स्टाइल में कैसे बनेगा। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया है, चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है।
अब हम ये ग्रिल ले लेंगे। अब हम इस ग्रिल में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और एक एक पीसेस अपने इसमें हम ड्रॉप कर लेंगे। ये सब पीसेस हमें डाल देना है, अच्छे से सेट कर देना है। जहाँ पास जगह आपको खाली लगे वहाँ पास ये पीसेस आपको लगाने हैं। थोड़े से ये बीच में हमें लगाने हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। वैसे ये चिमटा आप खरीद सकते हैं बाहर से, ये ग्रिल नेट है पूरी। ये देखिए अच्छे से ये बंद भी हो जाती है। आप इसकी साइड भी टर्न कर सकते हैं, उलट पलट कर सकते हैं। ये बहुत ही सही है, पूरे पीसेस इसमें फिक्स हो जाते हैं इस चिमटे में। अब ये देखिए हमारे सारे पीसेस सेट हो गए हैं, कहीं से भी नहीं गिर रहे। और ये मैंने भट्टी अपनी बिल्कुल रेडी कर चुकी है। कोयला देखिए खूब दहक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपने ग्रिल नेट और इसे तकरीबन हमें 2 मिनट तक के एक साइड इसकी रोस्ट करनी है, ताकि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए इसमें। अब 1 मिनट बाद दूसरी साइड को हम चेंज कर लेंगे, 3 मिनट के बाद सॉरी। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेंगे। बटर ग्रीस करने का हमारा ये इंटेंशन है कि जो हमारा चिकन ड्राई हो जाता है वो ड्राई नहीं होगा और थोड़ा सा हमारा चिकन सॉफ्ट होगा। ये देखिए अब हम इसे और कुक कर लेंगे 5 मिनट तक के। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी है ये रेसिपी। अक्सर लोग पुरानी दिल्ली खाने जाते हैं। अब हम एक एक पीसेस को निकाल लेंगे। ये हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप जब भी कभी जाइएगा इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा, और ये आप घर में भी बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया था पैन में, 2 टेबल स्पून, और इसमें ये जो हमारी ग्रेवी बची थी उसमें जो चिकन में मैरिनेशन की, तो वो हम डाल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। जो इसकी रॉ स्मेल है मसालों की, अदरक लहसुन की, वो निकल जाएगी। और इसे हमें तकरीबन 2 मिनट तक के इसे भून लेना है। ये देखिए भुन गया है। अब हम चिकन के पीसेस इसमें ड्रॉप कर लेंगे, ताकि जो ये मसाला है सारा चिकन में हमारा कोट हो जाए। बारबेक्यू के टाइम इसका सारा चिकन का मसाला जो था सब ड्राई हो गया था। अब हम फिर से इसको अच्छा ताज़ा फ्लेवर दे देंगे इस मसालों के साथ। और ये हम डाल देंगे अपना कर्ड और मलाई का मिक्सचर। आप देखिए एकदम अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना। थोड़ा मलाई हम और डाल देंगे, ताकि ये हमारा बहुत ही रिच और क्रीमी बने मलाई टिक्का। थोड़ा सा भुना जीरा हम डाल देंगे जो मैंने बचा के रखा था। चाट मसाला थोड़ा डाल देंगे, और ये काली मिर्च थोड़ा हम डाल देंगे। इससे हमारे चिकन का बहुत ही टेस्ट बेहतरीन आएगा। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में ही बहुत टेस्टी है। अब आप इसे अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बटर हम डाल देंगे, देखिए मैंने 1 क्यूब पूरा बटर का डाला है। ये हमारा बटर चिकन है तो बटर होना तो मस्ट है इस रेसिपी में। अब बटर हमने थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डाला है। जो मेरा 3 टेबल स्पून बटर था वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा बटर की हमें जरूरत और पड़ेगी, वो लास्ट में हम डालेंगे। अब ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से पूरा कुक हो चुका है मलाई टिक्का। अब हम देखिए इसकी ग्रेवी सब ऊपर से डाल देंगे। मैंने एक बोल में निकाल लिया है और ग्रेवी डाल दिया है। अब हम ऊपर से मलाई और डाल देंगे, और ये मेल्टेड बटर है कसूरी मेथी के साथ, ये हम डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, और थोड़ा सा हरा धनिया से हम गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए हमारा असलम बटर चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है।
अब ये रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।